तुम हर रोज देर से स्कूल क्यों आती हो? तुम जानती हो ना कि पढ़ाते वक्त क्लास के बीच में कोई डिस्टर्ब करे, ये मुझे पसंद नहीं। आज भी देर से स्कूल पहुंची मीनू पर क्लास टीचर सीमा जी बुरी तरह नाराज हो उठी। लेकिन हर रोज की तरह आज भी आठवीं कक्षा की छात्रा मीनू सिर झुकाए बिना कोई सफाई दिए अपनी टीचर की डांट सुनती रही, कुछ बोली नहीं। असल में कोरोना की वजह से एक लंबी छुट्टी के बाद स्कूल अब खुला था, और जब से स्कूल खुला था मीनू हर रोज देर से स्कूल पहुंच रही थी। वैसे तो मीनू अपनी कक्षा की सबसे होशियार और मेधावी छात्रा थी, लेकिन अब वो हर रोज स्कूल देर से पहुंचती और टीचर की डांट सुनने के बाद पूरा समय गुमसुम सी रहती। मीनू अपनी सहेलियों से पहले की तरह घुल मिल कर खेलना तो दूर, अब बात तक नहीं करती थी। क्लास टीचर सीमा जी इस बात को कई दिनों से नोटिस कर रही थी, लेकिन बच्चों की मनोवृत्ति माहौल के साथ बदलती रहती है, ये सोचकर कुछ खास ध्यान नहीं देती थी। आज सीमा जी को मीनू को ज्यादा डांटना या हर रोज की तरह कक्षा से बाहर खड़ा रखना ठीक नहीं लगा। आकर अपनी सीट पर बैठ जाओ मीनू। अपनी क्लास टीचर का अपने प्रति नरम रवैया देख मीनू तनिक सहज हुई और बोझिल कदमों से आकर सबसे पिछली बेंच पर बैठ गई। सीमा जी ने बिना किसी व्यवधान के पढ़ाना जारी रखा, किंतु उनके जहन में मीनू का बदला हुआ व्यवहार और उदास चेहरा घूमता रहा। उन्होंने अपनी प्रिय छात्रा के भीतर आए इस बदलाव के पीछे की वजह जानने की ठान ली। स्कूल की छुट्टी होने के बाद सीमा जी हर रोज रिक्शे से अपने घर जाया करती थी, लेकिन आज वो स्कूल के बाहर खड़े रिक्शा चालक के रिक्शे पर बैठने से इनकार कर पैदल ही चल पड़ी। आज सीमा जी को मीनू के घर जाकर उसके माता पिता से मीनू के विषय में कुछ बात करनी थी। अपनी सहेलियों से बिल्कुल अलग थलग अकेली मीनू पीठ पर अपना बस्ता लटकाए सिर झुकाए अपने घर की ओर चली जा रही थी, और उसकी क्लास टीचर सीमा जी ठीक उसके पीछे पीछे। सामने मीनू का घर था, घर का दरवाजा भीतर से खुला था। मीनू बहुत तेजी से अपने घर के भीतर चली गई। इधर सीमा जी ने तनिक झिझकते हुए आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दे दी। दरवाजा एक कमजोर बीमार से दिखने वाले आदमी ने खोला। वो मीनू के पिता थे। जी मैं मीनू की क्लास टीचर हूँ। नमस्ते मैडम। मीनू के पिता को मानो जैसे विश्वास ही नहीं हुआ और वो एकाएक ही मीनू को आवाज लगा बैठे। मीनू, ओ मीनू, जल्दी आ, देख कौन आया है। जी असल में मैं आपसे ही मिलने आई हूँ। सीमा जी ने अपनी बात रखना जरूरी समझा। तब तक मीनू भी भीतर से बाहर आ चुकी थी और अपनी क्लास टीचर को सामने देख तनिक सकपका गई। ये रोज स्कूल देर से आती है, आप लोग इसे पहले की तरह समय से स्कूल क्यों नहीं भेजते? सीमा जी मीनू के पिता से शिकायत कर बैठी, और क्लास टीचर की शिकायत सुन मीनू के पिता ने सीमा जी के सामने हाथ जोड़ लिए। मैडम मैं तो इसे रोज टोकता हूँ, लेकिन ये मेरी बात नहीं मानती। मीनू के पिता ने अपनी बेटी की ओर देखा, लेकिन मीनू नजरें झुकाए खड़ी रही। क्या बात है मीनू, तुम अचानक इतनी कैसे बदल गई और अब किसी बात का जवाब भी नहीं देती हो, ऐसा क्यों? टीचर की डांट सुनती मीनू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन बीमारी से कमजोर हो चुके मीनू के पिता ने उसकी क्लास टीचर को सच्चाई से अवगत कराया। जब से महामारी की वजह से इसकी माँ की मौत हुई है और मैंने बिस्तर पकड़ा है, मेरे लाख मना करने के बावजूद घर का सारा काम निपटाने के बाद ही मीनू स्कूल जाती है ताकि मुझे आराम मिल सके। अचानक एक अप्रत्याशित सच्चाई से रूबरू होती मीनू की क्लास टीचर सीमा जी निशब्द हो गईं। उनकी सारी शिकायतें अपने बीमार पिता के प्रति फिक्रमंद नन्ही मीनू की आंखों से बहते आंसुओं में धुल गईं। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।